Hi guys, good afternoon. My name is Narendra Kumar and this is our channel Let's Crack Bank Exams. Okay, इस channel को हर जगह spread करो, like, share, subscribe सब कुछ करो and हर किसी को बता दो कि English का जितना भी new pattern material हो सकता है, error especially, para based questions, हर किसी का tricks मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है? चलो, welcome to our channel. Let's Crack Bank Exams. Alright. And आज भी प्रैक्टिस करते हैं और यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. आज भी मेरे पास कई टाइप के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करते हैं. ऑलराइट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कर दो. चलो, सो दिस इज आवर टीम. आई होप यू आर फॉलोइंग ऑल दीज एजुकेटर्स. ऑलराइट, ओके. गाइज, क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कूपन कोड. ठीक है, जो लोग पैट कोर्स करना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, कूपन कोड लगा करके पैट कोर्स ले लो. आप लोग 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. सब्सक्राइब फॉर 1 ईयर एंड स्टार्ट वॉचिंग एवरीथिंग. आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग फॉर यू, सो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग ऑल द कॉन्सेप्ट. रैंडम तुम अगर डाउट्स पूछोगे या रैंडम चीज़ें लिखोगे तो फिर वो भूल जाओगे. एक सीरीज में पढ़ो, एक पूरी फैमिली को पढ़ो, टेंस पूरी फैमिली, आर्टिकल अलग टॉपिक है, नाउन प्रोनाउन इन सबको इंडिविजुअली पढ़ो. रैंडम लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी. ठीक है, एक डिसिप्लिन होता है, यू नो इट राइट, सो फॉलो द डिसिप्लिन. हेलो एवरीवन, चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं एंड आई एम श्योर यू हैव द अनअकैडमी ऐप. लेट्स क्रैक इट. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. हाँ मोना जैन, सारे देख लो, डिले मत करो. क्विकली डायरेक्शन पढ़ो पहले सब लोग. ऑलराइट, बताओ गाइस एरर क्या है इसमें. एरर प्लीज शेयर कर दो सबके साथ में क्विकली. ऑलराइट, तो देखते हैं आओ. ठीक है, रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर आर मैपिंग इंडिया सोलर हॉट स्पॉट्स वेयर अराउंड द ईयर सनलाइट ओके मेक्स इट वायबल. हाँ, मेक क्यों कर रहे हो. सनलाइट तो अगर हम सिंगुलर ले लें तो सनलाइट मिक्स हो सकता है ना. सनलाइट मेक्स इट वायबल ऑफ कंपनीज टू सेट अप सोलर पावर प्लांट्स. बताओ. हाँ, अब आंसर सही आ रहा है. तो वाइबल जानते हैं ना, सुटेबल, कैपेबल ऑफ लिविंग. अभी भी गलत कर रहे हो, पहले इसका सही आंसर दो. हाय, ऑलराइट, तो वाइबल फॉर भी जाता है और हमारे पास में टू भी जाता है ये वाला. तो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को आपको याद करना सीखो. डी में प्रॉब्लम है, डी इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट देखो, दिस फोटोग्राफ वॉज. अब इसको डायरेक्शन पढ़ो. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 ऑप्शन आर गिवेन एंड यू हैव टू चूज द वन विच हैज सम और एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट.
गलत ढूंढना है आपको, गलत, इनकरेक्ट। बी क्विक गाइज। सुरभि हेलो, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ सबके साथ। द फनी पार्ट इज आपने सही को गलत कर दिया अर्चना, ठीक है। ही हैज नॉट ओनली बिल्ट दिस बिग थिएटर बट हैज ही ऑल्सो, ठीक है, बिल्ट अ फ्यू बंगलोज इन दिस सिटी। आओ सब लोग देखो, जल्दी से देखो, सब लोग बताओ। अब सुनो मेरी बात, एक रूल अपने पास लिख लो, ये बहुत स्टूपिड मिस्टेक है, हर एग्जाम ने इसको पूछा हुआ है। कंपेरेटिवली और रिलेटिवली दो वर्ड होते हैं, जानते हो आप, रिलेटिव लिख लो, आर ई एल ए टी आई वी ई एल वाई, रिलेटिवली। दीज टू वर्ड्स आर ऑलरेडी कंपेरेटिव इन नेचर, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये दोनों का बेसिक नेचर क्या है, कंपेरेटिव है। तो इनके साथ बेटर वो हम लोग दूसरा कंपेरेटिव नहीं जाते, पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर, नो, कंपेरेटिवली कंपेरेटिव, स्ट्रॉन्गर कंपेरेटिव, डबल डबल कंपेरेटिव। सो व्हाट डू वी डू, समझ गया, कंपेरेटिवली गुड, कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग, ये रहेगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? प्लीज बी केयरफुल, बहुत स्टूपिड मिस्टेक है, प्लीज बी केयरफुल। आई होप आज के बाद ये मिस्टेक नहीं करोगे। अब सुनो, Not only but also either or and neither nor, इन लोगों को हम सब पढ़ रहे हैं, हर रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन लगता है कहीं हम इसकी सोल मिस कर दिए हैं। उसकी सोल समझते हो, हम तो क्या रट्टू तोता हैं, पैरट्स हैं हम सब, ठीक है, क्या करते हैं, बस देखा, मतलब वही है ना कि रट्टा वाली बात है, दिमाग यूज़ नहीं करते। मैंने बोला अपनी क्लासेस में कि गाइज कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का सेम स्ट्रक्चर चाहिए, वर्ब वर्ब, नाउन नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, ब्ला 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 ब्ला, सेम सेम चाहिए, नॉट ओनली के बाद में भी, ऑल्सो के बाद में भी, लेकिन उससे भी बियॉन्ड जो बड़ा गॉड है, उसी बड़ा थॉट क्या है कि हम जिस चीज को फोकस करते हैं, जिस चीज को मॉडिफाई करते हैं, जिस चीज को हम ऐड करते हैं, उसको पास रखो इनको। तो वी नीड टू नो कि व्हाट आर वी फोकसिंग। अगर एक्शन पे फोकस है तो एक्शन लगा, अगर नाउन पे फोकस है तो नॉट ओनली नाउन बट ऑल्सो नाउन कर। समझ में आया? बताओ इन दिस क्वेश्चन व्हाट आर वी फोकसिंग, द एक्शन ऑन द नाउन। बताओ जल्दी से। अमित पांडे हाय। अच्छा एक्शन फोकस कर रहे हैं बाबा, वो तो लिखा हुआ है, वो आप बता रहे हो, नॉट ओनली बिल्ट से बने, लेकिन होना क्या चाहिए था, यहां लिखा हुआ उसे ट्रांसलेट मत कर मेरे दोस्त, ये बता दे कि यहां पे कहना क्या चाह रहा राइटर, किन चीजों को जोड़ रहा है। इधर देखो, ही हैज बिल्ट, अब आओ सही करके लिखता हूं मैं आपको, प्लीज लिखना चाहो तो लिख लो, ही हैज, ओहो वेट, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, नहीं तो आप हमेशा गलती कर दोगे, क्या हो रहा है ये, ही हैज बिल्ट, ठीक है ना, He has built not only, अब not only क्या, this big theater, समझ गया, he has built not only this big theater but he has also built, ठीक है ना, he has, ठीक है, but he has built a few bungalows as well, तो मतलब कि मेरे को इधर भी बंगलो लाना पड़ेगा और इधर भी मेरे को थिएटर लाना पड़ेगा, उस चीज को फोकस किया जा रहा है। चेंज करो, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रीड करो, बी क्विक।
वैगाबॉन्ड एरर, यस, इनकरेक्टली मॉडिफाइंग, गलत जगह बैठा हुआ था, मिसप्लेस्ड, वी कॉल इट मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स. Five options are given and you have to choose the one which has some or any grammatical error in it. In the question there are four options. Incorrect batao. Hi guys, hello. Now please check. गाइज रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश. अगर ऐसा प्रॉब्लम अभी और हो ना तो आप सबको रिफ्रेश करने के लिए बोल देना, वेट करने के लिए, ठीक है. चलो हो जाता है, ये टेक्निकल है ना, सब कुछ हीट हो रहा है, एसी चल रहा है तब भी. इनकरेक्ट बताओ इसमें से कौन सा है. एनीवन, आई बिलीव दैट, पकड़ लेना सबने, ए भी मिस्टेक है. आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल, ठीक है ना, ठीक है, हाँ सही कर लो. ये आज काफी एक्स्ट्रा टच हो रहा है. तो नेक्स्ट टाइम यू कम टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक. अब पता है इसमें रूल कौन सा लगा है, मैंने बार बार रिविजन कराया हुआ है कि व्हेन एवर देयर इज अ सेंटेंस, there are two parts of this sentence, part one, part two, two clauses, and agar dono jagah future future hai to one of them has to be written in present simple, either this part or this part, but ek part koi na koi present simple hoga. Now you must be wondering, sir, which part, how can we be sure about it? Hey, jis part mein, when, whenever, until, unless, as long as soon as, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, समझ गया ना, बिफोर, आफ्टर, ये सब वर्ड मिल जाए, इन केस, इफ वर्ड मिल जाए, तो वो वाली क्लॉज प्रेजेंट सिंपल की, रिमेनिंग सिंपल फ्यूचर की होगी. इज इट क्लियर? प्लीज टाइप क्लियर. अच्छा फिर से स्टक हो गया. हाय गाइस, लगता है आज अच्छा आवाज आ रही थी. ओहो सॉरी गाइस, आज लगता है थोड़ा सा पंगा है, घोस्ट आ गया है स्टूडियो में, काफ़ी दिनों बाद घोस्ट आया है, ठीक है. आई ट्राई टू कंटिन्यू, आप भी पेशेंस रख के रहना, ठीक है. इस घोस्ट से डरना तो नहीं है ना, कोई डरेगा तो नहीं ना, हम अपनी विल पावर से इस घोस्ट को इग्नोर कर देंगे. अच्छा अच्छा वॉइस क्लियर थी, चलो चल ठीक है. तो मेरा पॉइंट समझ गए थे, बस मेरे इशारे नहीं दिख पाओगे, मैं रिपीट कर देता हूँ. अब मैं इधर नज़र रखूंगा अपने स्क्रीन पे, सो दैट यू नो स्टक हो जाए तो आई विल स्टॉप. मैं फ्लो में रहता हूँ ना तो ये देख नहीं पाता. मैं रिपीट कर देता हूँ, आप बहुत सारे बच्चा इसको जानता है कि एक, ठीक है, एक सेंटेंस है पार्ट वन और पार्ट टू, समझ गया, इधर विल है इधर विल है, एक विल भगा दो, पूछो क्यों, समझ गया. तो कौन सा वाला भगाएंगे, जिस पार्ट में व्हेन, व्हेनेवर, अंटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर लिखा हो, ठीक, इफ के, इफ इन केस और इफ लिखा हो. रिफ्रेश करो. ये व्हेन लिखा था ना तो ये वाला गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बट कोई बात नहीं, आप समझ के चलो. आज थोड़ा सा खराब टाइम आ गया, ये हमको परेशान कर रहा है. मोना जैन थैंक यू, ट्राई करेंगे अपन लोग, अच्छे से पढ़ेंगे. अर्चना मिश्रा थैंक यू. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लर्निंग होना चाहिए, योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिस्पेक्ट दैट.
गाइस शेयर कर दो हर जगह। ऑल राइट, अच्छा आप फोर में आंसर निकाल रहा है, ओके डी में आंसर निकाल रहा है, आओ चलो चेक कर लेते हैं, सारा वेरीफाई करता हूँ मैं। ठीक है, व्हेन ही रिटर्न्ड ही नेवर सीम्ड टू रिमेंबर एग्जैक्टली वेयर ही हैड बीन, उसे कुछ याद नहीं है, वो कहाँ भटकता रहा था। ये करेक्ट है, पास्ट की बात है, चलो, और पास्ट परफेक्ट नहीं याद आ रहा उसको कहाँ था वो। दे वॉच्ड इट फॉर सम टाइम एंड देन रिटर्न टू देयर टेंट, करेक्ट है, सी रिटर्न्ड टू, ठीक है ना, हर होम टाउन। ऑल राइट, सी रिटर्न टू हर होम टाउन आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर डिग्री, ओके इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलो इसको साथ में रखते हैं। आई देन रिटर्न्ड एंड पिक्ड अप द पाउच एज इफ टू लुक इन टू इट, अब देखो आई देन रिटर्न मैं, ठीक है, और देन यहाँ पे करेक्ट है, इस तरह से आता है मैं फिर, ठीक है, फोकस करने के लिए, जब हम लोग टाइम को फोकस करते हैं तो एडवर्ब हम लोग फ्रंट पर लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। आई देन रिटर्न एंड पिक्ड अप द पाउच, कुछ पाउच पड़ा हुआ था, एज इफ टू लुक इन टू इट, ठीक है, उसमें देखने के लिए, तो ये वाला हमारा करेक्ट है, आ जाओ। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस सी दस रिपेंटेड, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस सी दस रिपेंटेड, वो पछताई, बट नो लॉन्गर व्हेन ही रिटर्न्ड, ठीक है, उसकी एब्सेंस में वो उसे पछता रही थी, मिस कर रही थी, बट नो लॉन्गर व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आ गया तो वो रिपेंट नहीं कर रही थी। ऑल राइट, हाँ आई देन बिल्कुल होगा, हाँ चलो अब इधर देखो, सी वाले में देखो कुछ तो पंगा यहां पे, अब कैन यू फाइंड आउट, चलो एक बार और तुम्हारा नजर मारो, चेक द वर्ब, चेक द प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, वॉट एवर, एनीवन चेक करो, छोटा सा मिस्टेक निकलने वाला है, यस फाइनली आपने पकड़ लिया, ठीक है ना, सी रिटर्न्ड कहाँ पे, वेयर हर होम टाउन, तो रिटर्न के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, चलो डायरेक्ट हमारी जो जगह का नाम आएगा, चलो ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये वाली फिर सी रिटर्न हर होम टाउन, छोटी सी वर्ड थी, मैं आपको पुश किया तो आपने पकड़ लिया, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है फिर आप पकड़ लेते हो। नेक्स्ट देखो, ये वाला ट्राई करो, चलो हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगेन फिर से मैं मैसेज दे रहा हूँ, अगर ये स्टक हो जाए, राउंड राउंड हो जाए तो रिफ्रेश करते रहना, मैं सही कर दूंगा, ठीक है, चलो हे इधर आओ इधर आओ, मैं पहले इरर बता देता हूँ फिर बाद ही बताऊँगा। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन फॉर लंच विच आई एम वेरी वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट, ठीक है, अब सुनो, विच आई एम वेरी प्लीज, एक कहानी तो यो है,
थैंक यू फॉर इनविटेशन फॉर लंच. एक कहानी यो है, यो है. अब मेरी बात सुनो, देयर आर टू क्लॉजेस. जब क्लॉज होती हैं तो दे शुड मेक सेंस. ओके, समझा कि नहीं स्टोरी? तो सुनो, आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट. टू एक्सेप्ट व्हाट? इज इट क्लियर? तुम दगाबाजी कैसे किया? तुम वर्ब से व्हाट और हुम क्यों नहीं पूछा? हर वर्ब से व्हाट और हुम पूछो, वर्ब की इज्जत करो. इज इट क्लियर? आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट. इज इट क्लियर कंप्लीट? डू यू आर यू गेटिंग एनी आंसर? हमेशा आंसर आ जाएगा दोस्त. ओके, द प्रोनाउन इज मिसिंग फॉर इनविटेशन. ठीक है ना? सो थैंक यू फॉर योर इनविटेशन फॉर लंच विच आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट. विच आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट इट. चलो, या फिर यहां पे बोल सकते हो, एंड लगा सकते हो. एंड आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट इट. एंड लगा लो क्लोज के लिए. और सुनो, एक और है जहां पे तीन तीन तरीके से इसको सही कर सकते हैं. आपको कितने लोगों को याद है कि मैंने बोला था कि जो विच होता है पूरी कहानी को रिप्रेजेंट करता है, पूरे सेंटेंस को, पूरी पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है. तो हम पता है इसको क्या लिखेंगे? कॉमा विच. I will give you 1 lakh rupees each. ये लिखा हुआ है. मैं आपको 1 lakh rupees देने वाला हूं हर किसी को. पांडे जी, बैंक अकाउंट नंबर बताइए. I am going to give you 1 lakh rupees each, comma, which is not true. तो which पता क्या कर रहा है? इस पूरी स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है. तो which लगाना चाहता है तो comma लगा के आ जा और इस बात को रिप्रेजेंट कर. And लगा और पीछे it लगा, गलत था. अरे बहुआ सुन लो, पीछे तो सुनो. आपको क्या लगता है? चलो, समझ गए सब लोग? सो ये प्रॉब्लम थी. बाकी का आई वॉज प्लीज टू थिंक ही हैड हेल्ड ऑन मनी करेक्ट. सब करेक्ट है, सिर्फ ये वाला गलत था. नेक्स्ट देखो. तो उसको सही करने के कई तरीके थे. गाइज लाइक करते चले जाओ सेशन को. बी क्विक, थोड़ा फास्ट करते हैं. नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज ब्राइट एज सन. देखो, उस क्लास में उनका बेटा भी है, सुनना. तो नो बॉय में उनका बेटा भी शामिल हो रहा है. क्लास में नो बॉय मतलब कोई एक भी लड़का नहीं, मतलब उनका बेटा भी नहीं. नो बॉय में उनका बेटा शामिल हो रहा है कि नहीं क्लास में? यस. तो उनके बेटे की उनके बेटे से भी कंपेरिजन हो रही है. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री वाला ही है. तो हमें नो अदर बॉय, उनका बेटा एक तरफ, नो अदर बॉय बाकी बॉयज एक तरफ. थैंक यू गाइज, आई लव यू. किसने लिखा था ये? कौन था ये? मीना ओझा और सुदीप्ता सुरभि. सुदीप्ता वंडरफुल. और कौन था? नेहा. सारे लोग थे. चलो नेक्स्ट देखो. वन मोर. वंडरफुल, आई एम इम्प्रेस्ड. ये आपने सही कर दिया था. आई एम इम्प्रेस्ड. इसके
तुरंत बाद में आपको बहुत ऑसम क्वेश्चंस कराऊं, यू विल लव इट, टोटली न्यू टाइप। मतलब ऐसा मैंने कराया होगा पहले कभी कभी, लेकिन हर रोज नहीं कराता, ऐसा जरूर है। बताना मेरे को, डू यू वांट सच क्वेश्चंस टू कंटिन्यू? मतलब द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स, अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, है ना, ये तो बहुत सिंपल है, वॉज। चलो ठीक है, अब मैं आपको बहुत मस्त क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आओ वेट करना, चलो वेट करना मेरा, ठीक है, हाँ इधर आ जाओ। हे नाउ यू आर हेयर फॉर अ ट्रीट, यू आर इन हेयर फॉर अ ट्रीट। चलो ठीक है, डायरेक्शन पढ़ो, डायरेक्शन अच्छे से समझ लेना, ओके गाइज। चलो ये लिखा हुआ है, बड़ा सा आरसी लग रहा है, रीड ईच सेंटेंस डिवाइड इनटू फाइव पार्ट्स, एक दो तीन चार पाँच, टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर, इडियोमेटिक एरर। अच्छा, इसमें गलती भी हो सकती है लेडीज एंड जेंटलमैन, पांच पार्ट है, उनमें से एक गलती भी हो सकती है, थैंक यू, ओके। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी एक पार्ट में एरर होगी। बिलो ईच सेंटेंस यू आर प्रोवाइडेड विद द फाइव ऑप्शन, द फर्स्ट थ्री ऑप्शन सेज दैट यू द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज द सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ करेक्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इफ देयर इज नो एरर। अब आप समझ गए होंगे, अब समझ गए, एक सेंटेंस है तो ये सेंटेंस जंबल भी है प्लस एरर है। रेज योर हैंड अगर आप समझ गए क्वेश्चन टाइप, सेंटेंस जंबल, एक सेंटेंस होता है टुकड़े 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 पार्ट्स, रीअरेंज दीज सेंटेंस पार्ट्स, मेक अ सिंगल सेंटेंस, वो और उसमें एरर डाल दी गई है। वेलकम टू द न्यू इंडिया, समझ गए सब लोग। चलो अब आ जाओ और मैं आपको बताऊंगा कितना आसान है, ठीक है, किसी का दिमाग चल जाए तो बोल देना क्यों आसान है ये। चलो ये वाला क्वेश्चन, संदीप जी हाय, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। घोर संकट, वेलकम टू माई क्लास। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक देखते हैं, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, अ स्ट्रॉन्ग फीमेल पॉलिटिशियन हु इज नाउ इन दार्जिलिंग, ओके, इज एक्सपेक्टेड to cut short his visit. ममता बनर्जी, उनके लिए अगर हेज लगाओगे तो आपका दीदी जी धरना दे देंगी, समझ में आया? अब सुनो ये क्वेश्चंस इजी क्यों हैं, अरे हम अगर आप एरर पता कर लो ऊपर तो नीचे आपको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। डू यू गाइस एग्री? सपोज मैंने सी में पता किया कि हर होगा, तो मैंने कहा कि फिर ठीक है, अगर एरर पता चल गई तो वो पार्ट तो भगाना पड़ेगा, तो जिसमें वो पार्ट नहीं लिखा है वो आंसर हो जाएगा कि नहीं? वी कैन ईजली रूल आउट द ऑप्शंस इफ वी कैन फाइंड आउट द एरर, वी डोंट हैव टू रीअरेंज। व्हाट डू यू थिंक? मानस रंजन साहू, अब सुनो, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, वो परेशान ये हो रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो दीदी की बात सुन रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला हुआ है कि इन्फिनिटिव को पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, पहचानो भाई, इधर आओ। इज एक्सपेक्टेड टू कट शॉर्ट, ये दिख रहा है किसी को? टू प्लस कट शॉर्ट, टू कट शॉर्ट हिज विजिट
एंड टू रिटर्न, मैंने बोला है कि एंड बहुत सुसाइडल पॉइंट होता है, यहाँ पे टू प्लस वी वन टू प्लस वी वन होता है, बस यहाँ टू लगाते नहीं है, एंड के बाद में टू रिपीट नहीं करते, बट वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, जीरो जीरो इन्फिनेटिव होता है. रेज योर हैंड, कितने लोगों को याद है. टू कट शॉर्ट हिज विजिट, आई मीन हर विजिट, सॉरी ममता जी, ठीक है ना, एंड रिटर्न. क्या प्रॉब्लम है, क्यों ईडी लगा रहे थे, ये इस टू का इफेक्ट इधर है, बोलो 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 बोलो, समझ गए कि नहीं. हाँ, मेरे साथ रहो, सब कुछ सिखा दूंगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ विद इन 20 सेकेंड. ओके, विद इन 30 सेकेंड. हाई गाइज, प्लीज लाइक द सेशन, 47 वॉचिंग, 37 लाइक्स. एनीवन, संजय सिंह, ए में क्या प्रॉब्लम है. द डोमेस्टिक करेंसी हैड लॉस 35 पैसे, ओके, टू एंड बिसाइड्स, ये पक्का गलत है, यहां कुछ और आना चाहिए था, इट शुड हैव बीन समथिंग एल्स, राइट, डज नॉट मेकिंग सेंस. राइटर क्या लिख रहा था, नो आइडिया, बट टू एंड बिसाइड्स बिल्कुल गलत है, ए. हाँ, मतलब ये बी वाला पार्ट बिल्कुल गलत है. द डोमेस्टिक करेंसी हैड लॉस 35 पैसे, ठीक है, अ फ्रेश टाइम लाइफ टाइम लो, ये बिल्कुल टोटली इररेलीवेंट है, डज नॉट फिट इन द सेंटेंस, तो ये वाला करेक्ट है. अब बी इसमें लिखा था भगा दिया, बी इसमें लिखा था भगा दिया, लो आंसर आ गया. चलो ट्राई दिस वन, 37. कई बार क्या है, राइटर क्या लिखना चाह रहा होता है तो उसकी इमेजिनेशन होती है, बट वी जस्ट नीड टू फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट. कृष्णा मोहन सिंह, हेलो, गुड आफ्टरनून. राफेल नडाल वर पुस्ड, अरे यार ये तो गलत है, ए वाला नहीं चाहिए, ए वाला नहीं चाहिए, ए वाला नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए. राफेल नडाल एक बंदा है, सॉरी. नेक्स्ट देखो, वो तो बच्चों वाली बात थी. राफेल नडाल करोगा मैं वर्क अप से हो क्या, इंडिया वालों ने मुझे वर्क कर दिया, देन ही विल बी वरीड. 38. Weather was a hot topic at the US Open again as players again battled. भाई कुछ तो गलत है, एक ये अगेन लिखा हुआ है, ठीक है, एक ये अगेन लिखा हुआ है, इतना अगेन क्यों कर रहे हो. बैटल वॉट हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी एज वेल एज ईच अदर, अरे यो भी गलत है. इन अ बेड, नहीं नहीं नहीं, दे बैटेड एज वेल एज ईच अदर, ठीक है ना, बैटल्ड और राइट इन अ बिड फॉर सेमीफाइनल बर्थ्स. एग्जाम ट्रैकर, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, इफ यू आर सीरियस गो वॉच, वॉट एवर यू नीड, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, एवरीथिंग आई हैव टॉट इट ऑलरेडी, इफ यू आर ट्रूली सीरियस
ठीक है ना, गो चेक आउट माई प्ले लिस्ट, ज्वाइन माई टेलीग्राम, ओके। वेदर वॉज अ हॉट टॉपिक एट द US ओपन, ठीक है, अगेन एच प्लेयर अगेन बैटल्ड बैटल हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी, नन ऑफ दिस जाएगा, नन ऑफ दिस एज वेल एज ईच अदर इन अ बिड फॉर सेमी फाइनल बर्थ्स। ऑलराइट, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इनमें से कोई ऑप नहीं बन रहा, नन ऑफ दिस। अब ट्राई करो ये वाला, ओके 39 देखो, उसको रीराइट कर सकते हैं तो सही हो जाएगा। वी हैव टू रीराइट। इंग्लिश बाय नरेंद्र सर, इंग्लिश बाय NARN नरेंद्र सर, उसको सर्च करो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, बच्चों से पूछ लेना। तो सबने कर दिया शायद। बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा इज हैविंग व्हाट, इज हैविंग व्हाट, अ गुड टाइम, अ गाला टाइम, ओके, अ ग्रेट टाइम विद फियांसे एंड सिंगर निक जोनस एट द US ओपन, नो एरर, शी इज हैविंग फन। आप जेलस हो रहे हो, आप गलतियां निकाल रहे हो। बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा, ओ अच्छा 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 अच्छा, आप एक्टर के लिए एक्ट्रेस कर रहे हो, याद रखना। हो, एक्टर वर्ड वो है जो भी आर्ट परफॉर्म करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, ठीक है ना, हर किसी को आप एक्टर कह सकते हो, ठीक है। तो फीमेल को, जो फीमेल वाली होती है, उसे एक्ट्रेस भी बोल सकते हो और एक्टर भी बोल सकते हो, सो प्लीज बी केयरफुल, दिस इज नॉट रॉन्ग, और ग्रामर में भी हर जगह। एन एक्टर इज समबडी हु परफॉर्म्स एन आर्ट फॉर्म, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, बट फीमेल एक्ट्रेस भी हो सकती है और एक्टर भी हो सकती है, इट्स नॉट रॉन्ग। चलो, नो एरर था, मैं भी सोच रहा था आपने गलती कहाँ निकाली है। 40 ये न्यूट्रल जेंडर वाला है, कॉमन जेंडर समझ सकते हैं किसी भी। भाई जी, आप चैंपियन हैं आप लोग। सवनी रॉय, यस 40। एनीबडी कैन डांस इज द आंसर। चलो, एनीबडी कैन डांस इज द आंसर। अब देखते हैं किसको हिंट मिलती है। कैन यू क्रैक माई पहेली, ओके, एनीबडी कैन डांस। चलो, 6 टाइम चैंपियन सरना विलियम शुक ऑफ, ठीक है ना, ऑलराइट। ओ अच्छा, ये मिस हो गया, शुक ऑफ था भाई। ठीक है, सो कॉप लगे स्टार्ट, ठीक है, ओके, टू पावर पास्ट एट्थ सीडेड कैरोलिना प्लिस्कोवा एंड ऑन द US ओपन सेमीफाइनल्स। ये ई वाला यहाँ पे गलत है, नॉट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, यहाँ से यहाँ तक करेक्ट है,
ठीक है, ए बी सी डी। यस, ए में एरर है, ई में एरर है, तो ये वाला भगा दो, ये वाला भगा दो, ये करेक्ट है। शुक ऑफ भी कर सकते हैं, टुक ऑफ भी करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट किया उसने। आगे बढ़ जाना, चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई दिस वन, 4-1। ऐसे क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? एटलीस्ट इंट्रोडक्शन हो गया ना आपका, इंट्रोडक्शन। ए बी सी डी, एनीबडी कैन डांस। प्लीज लाइक द सेशन। यस यस, सब कुछ पेपर से होता है, एवरीथिंग फ्रॉम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, फॉरेन न्यूज़पेपर। चलो, क्योंकि हमारा बैंक एग्जाम भी वहीं से आता है ना। ठीक है, द बॉडी ऑफ द स्लेन इंट्रूडर हैज, ठीक है ना, हैज हैंडेड, हैज वीन, ठीक है ना, सी गलत, द बॉडी ऑफ द स्लेन इंट्रूडर, जो मार दिया गया, ठीक है ना, हैज बीन हैंडेड ओवर टू द लोकल पुलिस। क्लियर? पैसे बॉयज का मैंने आम ऐसा बोला हुआ, एक्टिव पैसे वेरीफाई कर लिया करो। अभी पता क्या लग रहा है, इंट्रूडर हैज हैंडेड ओवर, इंट्रूडर ने कुछ किसी को दिया, हैंड ओवर किया। कैन यू सी, एक्टिव में स्टुपिड लग रहा है, नॉनसेंस लग रहा है, पैसिव करने में वो खुद की बॉडी कहीं गई है, और एक्टिव में ऐसा लग रहा है ये किसी को दे रहा। मरा हुआ आदमी किसी को आ जाए, मरा हुआ आदमी आपके पास आ जाए, ओके प्लीज टेक मी टू द क्रेमेटोरियम, आपका क्या हाल होगा, सोचिए। इसलिए एक्टिव पैसे पढ़ लीजिए। चलो, फोर टू गाइस, 4-2। Anybody can dance is the answer. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the first vice president of our country, was an ideal teacher as well as a philosopher. As well as a philosopher, scholar, theek hai na? And politician. And a politician. E galat hai dost. Jab yo e galat hai, to ye bhi gaya, ye bhi gaya. Anybody can dance is the answer. समझ में आ गया? जो तुमको इजी लगे वो पढ़ दो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो, इजी लैंग्वेज आती है, बच्चों वाला है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो आप, और न्यूज़पेपर आप, दीपिका आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, हीरो हीरोइन के इंटरव्यूज पढ़ो, क्रिकेट पढ़ो, ठीक है, और जो मन में आए बस पढ़ लो। राजस्थान के एक छोटे से गांव में कोई किसी के साथ भाग गया, ये सब मत पढ़ना, कुछ अच्छा ही पढ़ना, बिजनेस पढ़ना। चलो, कुछ काम का पढ़ना, इंग्लिश तो हर जगह होगी लेकिन थोड़ा सा करंट अफेयर जीके मिल जाएगा। मेरे सारे वीडियो जरूर देख लेना, इतना जरूर कर देना। श्रवणी रॉय, थैंक यू श्रवणी। मेरा एक भी वीडियो मत मिस करना भाई, अगर ये कर दिया तो आपका इरादा पता चल जाएगा पूरे यूनिवर्स को, फिर पूरा यूनिवर्स कंस्पायर करेगा, शाहरुख खान आपको खुद आकर के आपके सपने पूरे कराएगा। जब किसी चीज को समझ गया कि नहीं, दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुटाने में लग जाती है, समझ गया? तो इरादे, गुड वाइब्स भेजो इस यूनिवर्स में, अच्छी अच्छी वाइब्स, 12-12 घंटे पढ़, 16 घंटे पढ़, किसी शादी बारात में मत जा, ठीक है? लोग बाहर होली मना रहे हैं, तू अंदर आराम से
अपने किताबों पे होली खेल रहा है, पेन पेपर हाईलाइट कर रहा है। जब ऐसे वाइब्स भेजो यूनिवर्स में तो शाहरुख खान और एवेंजर्स गॉड हिमसेल्फ सब लोग तेरी हेल्प करने आएंगे एंड इट वर्क्स। चलो हाँ, इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। द हिंदू के बाद में इंडियन एक्सप्रेस ही आता है, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा करता नहीं है इसलिए रोता रहता है जिंदगी भर। जो ऐसा करते हैं सब छोड़ छाड़ के वो चैंपियन बने घूम रहे हैं हर जगह, चाहे वो कुछ भी हो। थैंक यू एग्जाम ट्रैकर, अब आज के बाद बात मानेगा तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो सब टाइम वेस्ट है फिर। अरे आंसर हो गया भाई, लोग आपसे आए बात करने के चक्कर में। चलो, पॉलिटिशियन एंड ऑथर शशि थरूर्स बुक व्हाई आई एम अ हिंदू, वो टाइटल है, विल बी मेड इनटू अ वेब सीरीज विद नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर शीता तलवार, ठीक है ना, एज अ शो रनर, ठीक है ना, और राइट नन ऑफ दीज, ठीक है ना, ठीक है ना, पॉलिटिशियंस मेड वर्ड नहीं होगा, कुछ और आ रहा चाहिए था, पॉलिटिशियंस ऑथर शशि थरूर्स बुक, ठीक है ना। जब बुक से मूवी बनाते हैं, जब बुक कन्वर्ट होती है मूवी में, देयर इज अनदर टर्म फॉर दैट, इफ यू कैन सजेस्ट प्लीज सजेस्ट। ये नहीं होगा, विल बी ट्रांसलेटेड इन टू मूवी या फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ अलग वर्ड आता है। चलो तो ये नन ऑफ दीज लगाओ, इनमें से कोई भी फिट नहीं होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखो 44। अच्छा इसका राइट, चलो पिट्टी का आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हे गाइज, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सेवन ही, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर हाईलाइटेड विच मे ऑर मे नॉट कंटेन ग्रामेटिकल एरर्स, देर आर फाइव ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस, वन ऑफ द विच रिप्लेस एग्जिस्टिंग, ऑल राइट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। हाईलाइट किया गया है, आ जाओ। अब देखो एक ये हाईलाइट है, एक ये हाईलाइट है, ठीक है, ये दो हाईलाइट हैं। अब चेक करो, पहला पार्ट का सजेशन ये है, सेकेंड पार्ट का सजेशन ये है। गाइज जल्दी से देखो, एनीवन कैन यू करेक्ट इट। हाँ सब लोग सही कर रहा है, आई एम इम्प्रेस, आई लाइक इट। एफर्ट्स टू रिस्टोर द पंपा मनपुरम आर अंडर वे इन द फुटहिल्स ऑफ साबरीमाला, उस जगह की। ऑलराइट, तो ये वाला फुटहिल्स ऑफ साबरीमाला बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, बी करेक्ट है, वंडरफुल। नेक्स्ट देखो गाइस, अक्रॉस स्पोरेडिक केसेस ऑफ H1N1। स्पोरेडिक का मतलब होता है हैपनिंग आफ्टर इंटरवल, अभी हो गया फिर उसके बाद फिर से हो गया, फिर से हो गया, स्पोरेडिक, ठीक है ना, आफ्टर इंटरवल जब कोई चीज होती है स्पोरेडिक। भाई वो नन ऑफ, उसमें नन ऑफ दिस था आंसर, रिंचा के पापा, नन ऑफ दिस था। ओके वो गलत था, नन ऑफ दिस इसलिए हुआ कि उसमें मल्टीपल एरर्स थी, उसको रीरिटर्न करना पड़ेगा, रीराइट।
कई सारी एरर थी उसमें। कौन कोई सही कर रहा है इसको, देखते हैं इसको कौन करेगा। हाँ इधर आ जाओ। तो देखो अब हमारा देखो एब्सटेन का होता है स्टे अवे, ठीक है। सो विद स्पोरेडिक केसेस हेयर एंड देयर, ठीक है ना, कुछ कुछ केसेस हो रहे हैं विद स्पोरेडिक केसेस ऑफ H1N1 बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस केरला, ठीक है ना। ओके स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट सच एज कोझिकोड डॉक्टर्स हैव सॉट ग्रेटर कॉशन। डॉक्टर ने बोला हुआ है कि भाई आपको केयरफुल रहना है, ठीक है, अगेंस्ट द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो डी करेक्ट आंसर है, ये रीडिंग से होता है। डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आप रेडी रहो। द इशू लेट टू हीट एक्सचेंज नहीं होता, ये क्वेश्चन जिसकी रीडिंग अच्छी है वो बंदा इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर देगा, ट्रस्ट मी। और जिसको मेरी ट्रिक्स पता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है एडी फॉर्म में, दैट्स द हिंट, ठीक है ना। बोला ना 5 सेकंड में कर देगा, देखो कर भी दिया, सिंपल, ठीक है। कई बार इतने कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आई लाइक इट। लेट टू अ हीटेड एक्सचेंज, आगे पढ़ना ही नहीं था, कुछ भी पढ़ना ही नहीं था। पास्ट पार्टिसिपल होता है ये, एडजेक्टिव होता है और नाउन के पहले आते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखो, टर्मिनोलॉजी जरूर पढ़ लेना। इसको भी कर दो भाई, ये बहुत सिंपल है, ये भी शायद 15 सेकंड के अंदर हो जाएगा दोनों पार्ट अगर देखोगे तो। Ahead of the assembly section in an unusual step, कर दिया, ए कर दिया सब लोगों ने, वंडरफुल, सही जा रहे हो आप लोग, ये सब एग्जाम में आने वाले टाइप के क्वेश्चन है। डी डी नहीं होगा, अगेंस्ट अनयूजुअल नहीं होगा, एक कोई स्टेप लिया गया, एक इनिशिएटिव लिया गया, उसको रेफरेंस दिया जा रहा है, तो ठीक है। इन एन अनयूजुअल सिनेरियो, ठीक है, तो हमें वहां पे इन चाहिए। हाय गाइज, लाइक शेयर कर देना, चलो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय नरेंद्र सर न्यू गाइज, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, ग्रेट स्टेटस वीडियोस, हेलो गुड आफ्टरनून, आप मेरा वीडियोस भी स्टेटस पर डलवा देना जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।
great status videos. I need your help. And if you need my help, please get in touch. Okay? Telegram join karke jo bhi help chahiye puch lena. Ye chalega class abhi 1:30 baje tak. 1:30 baje tak. 1:30. Wow, no correction required. The ruling BJP Intrapura has won around 90% seats uncontested in the by-elections. Alright. Jo ladi nahi gayi thi. Theek hai? Bina jeete hue. Okay. For the three tier panchayat polls in the state scheduled to be held on September 30. No correction required. Pura pura correct tha. Uncontested. ये for, from, above, across यहीं से आंसर आ गया था, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, चलो फिर से कुछ नया आ रहा है लगता है, देखते हैं कैसा है, हाँ एक बार पढ़ लेते हैं। In the following questions, four sentences are given which may or may not contain grammatical or contextual errors. Which are the five alternatives replied in the sentence that devoid of? Oh, devoid of समझते हो ना? Correct, correct, correct भाई लोग। करेक्ट सेंटेंस चाहिए, करेक्ट ढूंढो, करेक्ट ढूंढो। चलो आई चैलेंज यू। हेलो, सो 1, 2, 3, 4 यू नीड टू फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट और बनाओ। दो करेक्ट हो सकते हैं, तीन करेक्ट, ऑल करेक्ट भी हो सकता है। आओ चलो चेक करते हैं, ठीक है? मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चन इसका कराता हूँ, फिर और कराऊंगा मैं आपको। चलो, मोस्ट कल्चर्स कंसीडरिंग, ठीक है? मोस्ट कल्चर कंसीडरिंग या फिर कंसीडर, एक बार बताना भाई लोग, कंसीडर होगा कंसीडरिंग, जल्दी से बताओ। Consider gambling a cardinal sin and thus have outrageous practice. जब कोई बात बिगड़ जाए, now जब कोई बात true हो, fact हो, habit हो, way of life हो, geographical phenomena हो, simple present, raise your hand. जल्दी बताओ। ठीक है ना? याद आ गया कि नहीं? चलो, ये तो नहीं हो सकता भाई। He, her dress was becoming high and made her look even more beautiful. What does that mean? Her dress was becoming, made her look even more beautiful. Okay. Some actors take challenging roles in which they have to lose so much weight. Sahi to hai to lose. L double O S E ये लूज का मतलब होता है, ये अनअकैडमी का जैकेट बहुत लूज है, ढीला ढाला, और ये लूज का मतलब होता है शेड करना, ठीक है? तो वो तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, अपनी जगह है। लूज सो मच वेट दैट दे अपीयर कैडावरस, कैडावरस बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना? उनको डेड बॉडी जैसा, डेड बॉडी जैसा, कैडावरस बहुत अच्छा वर्ड है, लिख लेना भाई। हाँ चलो, ये तो सही जा रहा है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता भाई। ओनली थर्ड कहीं है पे क्या? गाइस कैन यू हेल्प मी?
There is no option for only third. कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है. थर्ड कहाँ कहाँ पे है करेक्ट में? ठीक है, आई थिंक ओनली थर्ड कहीं नहीं है, तो ऑप्शन गलत बन गया है ये तो. हाँ ऑलराइट. मेरे को दिख नहीं रहा पास से. डी फर्स्ट एंड थर्ड है, वो सेकंड एंड थर्ड है, ये ओनली फॉर है, ये इसको कर लो, ये होना चाहिए था आंसर. समझ गए ना? क्या कहे? आओ. ठीक है, बिकमिंग प्रॉपर के सेंस में यूज होता है लेकिन यहां पे यूज नहीं होगा. ठीक है, एसबीआई क्लर्क ऑलवेज, ये कर लो. चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं. आओ ये वाला देखो, एसबीआई क्लर्क ऑलवेज. ठीक है, इफ यू, अगर आपको फर्दर स्टडी करना है ना, तो फिर LIC चले जाना या किसी और में चले जाना, फिर SBI मत जाना. ठीक है, अगर फर्दर स्टडी करना है गो फॉर LIC, एंड इफ, अब तो बस शादी कर लेनी है, समझ गए ना, अब कोई आगे कोई नो एम्बिशन लेफ्ट, तो SBI चले जाना. आगे पढ़ना है तो LIC जाओ और लाइफ बनाओ, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के पहले भी. चलो भाई लोग क्विकली इसको बताओ. इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विच इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज नंबर ग्रामेटिकल करेक्ट. ये तो सही है भाई. यू हैव टू फाइंड द ग्रामेटिकल कॉन्टेक्चुअल एरर इन द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस. बताओ 55 क्या एरर है? पढ़ना है तो जाओ LIC में. फिर कोई हेल्प चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, गेट इन टच विद मी. टेलीग्राम इंग्लिश बाय नरेंद्र सर ज्वाइन कर लो. किसी को कोई गाइडेंस हेल्प कुछ भी चाहिए, सब लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर दिया करो. अपने फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने ग्रुप्स में है, हर जगह मेरे वीडियोस दे दो, लिख दो, एक एक बार भेज देना सब लोग. जिसको जो हेल्प चाहिए इंग्लिश में, जो कॉन्फिडेंस नहीं है, फेल हो रहे हो, 2 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, 10 नंबर से पास हो जाओगे, गेट इन टच. आई हैव प्लान फॉर एवरीवन. चलो, अकॉर्डिंग टू द न्यूज 1 पर्सन डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑल्टरकेशन, फाइट फाइट फाइट, झगड़ा झगड़ा, दैट ऑकर्ड आउटसाइड. कैसे भूल सकते हो जब कोई पर्टिकुलर जगह है तो. डोंट यू हैव मैनर्स हाँ टू यूज आर्टिकल द प्रॉपरली. एंड आई थॉट यूट्यूब इज फ्री. यूट्यूब पे आपको फ्री लर्निंग दी जा रही है. एम आई चार्जिंग यू फॉर दिस? चलो समझ गए हो गए. नेक्स्ट देखो, बी क्विक. टुडे अगेन आई एम नॉट फीलिंग ओके, नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, बट स्टिल आपको पढ़ाने का मन है, आप अच्छे से पढ़ते हो, दिल लगता है मेरा भी. मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आने वाला है कि आई वॉन्ट टू बी लाइव ऑन यूट्यूब ऑल द टाइम विद यू गाइज. पढ़ाते रहो बस, अकेला बैठूंगा तो शायद मन ना लगे. I feel something is missing if I'm not live.
इसलिए आज ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ, समझ तो सबको आ रहा है ना भाई लोग, प्लीज बता देना। I thought how strange it was that such precious seeds of truth and wisdom should have fallen among the tares of ignorance and corruption. All right. गाइज क्या आंसर आ रहा है, यानी कोई भी सजेशन नहीं दे रहा है। आई हाँ चलो चलो अब चेक कर लेते हैं। आई थॉट हाउ स्ट्रेंज इट वॉज, ठीक है ना, ये वाला पार्ट गलत है, इसको रीराइट करना पड़ेगा, कुछ और लिखो। थैंक यू, इधर आओ, दिस पार्ट इज नॉट करेक्ट। आई थॉट हाउ स्ट्रेन इट वॉज फॉर समबडी, आई डोंट नो, बिकॉज सच प्रीशियस सीड्स ऑफ ट्रूथ एंड विजडम शुड हैव फॉलन, ये दैट और सच कुछ तो गड़बड़ है। सच प्रीसेस सीट्स तो सही जाएगा, ये दैट प्रॉब्लम है, ठीक है। बी पार्ट में गलती है, उसको रीराइट करके लिखना होगा, वी हैव टू रीराइट। अब देखो 47, इट इज इम्पॉसिबल टू आइसोलेट अ चाइल्ड इन द मिड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बीच में हम किसी बच्चे को आइसोलेट नहीं कर सकते, सोसाइटी में रहेगा तो अफेक्ट होगा। So that he shall not be influenced by the beliefs, all right, of those with whom he associates. D में error है। आगे बढ़ते हैं। PUBG is one of the, आप सबकी कहानी आ गई ladies and gentlemen, smile. अच्छा 56 का में, चलो एमंग में प्रॉब्लम है इसको। आई थॉट ओके सच प्रीशियस सीड्स ऑफ ट्रूथ एंड विजडम शुड हैव फॉलन एमंग द टेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड करप्शन। अरे भाई ये एमंग द टेयर्स लिखा हुआ है, समझ नहीं पाए आप, अलग हाँ इग्नोरेंस और ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, आप चेक करो। हाँ वो सही था, इसको देखो 58, PUBG इज वन ऑफ द फ्यू बैटल रॉयल गेम्स, ऑलराइट दैट डिलीवर्स, ऑलराइट ठीक है, दैट डिलीवर दैट रिलेटिव प्रोनाउन। आप क्यों भूल जाते हो यार इतना जल्दी, ठीक है, जब भी एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, सब लोग सुनो, सामने देखो, प्यार से देखो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो उसका एंटीसिडेंट ये हो गया, गेम्स दैट डिलीवर, प्लूरल प्लूरल प्लूरल,
वन ऑफ वाला केस लगता है कब, जब दैट विच हु ना आए तब लगता है, जब ये आ जाते हैं तो फिर ये लगता है, बी केयरफुल। चलो अब इधर देखो 5-9, इन इंडिया द साइकिल ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स इज कंटिन्यूअस बट सिटीजन्स मस्ट लर्न टू सेलिब्रेट दैम इन एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज। हर थर्ड वीक ऑफ मंथ में कोई ना कोई फेस्टिवल चलता रहता है, ठीक है, बट वी नीड टू लर्न टू बी सिविलाइज्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट। एट लास्ट दे रीच्ड अ डेंस फॉरेस्ट। बनीता रानी 58 कहाँ गया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पहले से क्लासेस नहीं किए हैं, बी रेगुलर। वन ऑफ का यूज होता है, वन ऑफ के बाद में वन ऑफ द गर्ल्स इज होता है, वन ऑफ द बॉयज वॉज वर होता है, ठीक है, वॉज होता है, ठीक है। लेकिन जब वन ऑफ द गर्ल्स हु आ जाए, वन ऑफ द गर्ल्स दैट आ जाए, वन ऑफ द कंपनीज विच आ जाए, समझ गया ना, तो फिर वन ऑफ का रूल सिंगुलर वाला नहीं होता, फिर दैट विच हु ये डिसाइड करते हैं कि वर्ब कैसी होगी, क्योंकि इनके पास वाले के हिसाब से डिसाइड करते हैं। यहां पे डिलीवर को ये डिसाइड नहीं करेगा, अब कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा गेम्स। आप आओ, डेली नए नए आए हो इसलिए परेशान हो, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेली पढ़ते रहो, क्लियर हो जाएगा। पुराने वीडियोस भी देखो जल्दी से, नहीं तो बहुत स्लो पढ़ जाओगे। जितने पुराने वीडियोस देख के खत्म कर दोगे उतना बराबर हो जाओगे सबके, कुछ बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। अच्छा ये तो हो गया फिर, हाँ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट ये वाला देखो 60। At last they reached a dense forest and being quite tired they decided to rest for, देखो ये आप नहीं कर पाओगे, a while और ये आपको कर देगा घायल, ठीक है। long duration, ठीक है, और शॉर्ट, जब आप 10 घंटे, जब आप 20 आवर्स नॉन स्टॉप माउंटेन की, 20 आवर तो नहीं चढ़ सकता कोई, 10 आवर्स नॉन स्टॉप आप चढ़ते रहे, तो आप रेस्ट 5 मिनट का लोगे या फिर 5 दिन सोओगे? मेरे जैसा तो 5 दिन सोएगा। वी नीड मोर टाइम टू रिलैक्स, टू रिजुबिनेट, ओके, टू बी एक्टिव ऑल ओवर अगेन। At last they reached a dense forest. Last में वो dense forest पहुंचे. Being quite tired, completely बहुत ज़्यादा tired थे, वो थके हुए थे बेचारे. They decided to rest for a while and look for nuts before going any further. कुछ खाने को दो भाई. चलो. समझ गया सब लोग? Wonderful, wonderful. Try this one. यहाँ पे मिस्टेक थी 6-1, ये आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन है, लिख लो। फिर से सेम मिस्टेक, तुम कितना मिस्टेक करोगे एक सेशन में, सेम चीज की कितनी मिस्टेक करोगे और मुझे कितनी बार गुस्सा दिलाओगे बताओ। अभी भी देखो कुछ लोग मिस्टेक कर रहा है, मुझे सॉरी चाहिए, सॉरी इसलिए चाहिए कि अपने को सॉरी बोलो, मुझे मत बोलो कि मैं ऐसी स्टूपिड मिस्टेक क्यों कर रहा हूं बार बार। देखो, डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल एंड टू लुक, अरे ये टू लुक है भाई, दिस इज इन्फिनिटिव, बिना टू वाला इन्फिनिटिव है, व्हाई? बिकॉज एंड लगा हुआ है। डिसाइडेड टू रेस्ट एंड टू लुक फॉर नट्स, अब ये ईडी नहीं हो सकता क्योंकि 2+B1 वाला 2+B1 है, ये इन्फिनिटिव है। इज इट क्लियर? आई वॉन्ट सॉरी। गुड, यहां करो मिस्टेक, यहां 50 सॉरी बोलो चलेगा, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना, फिर वहां पर सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। सेम बात को, हाँ
गुड, बाकी लोग सीख गया ना? चलो 6-1. हाय, गुड आफ्टरनून रमन कुमार, वेलकम टू द क्लास. बताओ भाई लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है? हिज हेल्थ वॉज बेटर. देखो टेढ़ी इरर है, मैं माफ कर दूंगा. हर रोज वाली इरर को मैं माफ नहीं करूंगा. मैं समझ गया. सो अपने आदतें बदल लो. तो हम कहाँ थे भाई? हिज हेल्थ वॉज बेटर इन द विंटर बट लास्ट स्प्रिंग हिज वुंड रीओपन्ड. उसका घाव फिर से खुल गया. एंड द डॉक्टर सेड दैट ही हैड ऑट टू गो अवे, ठीक है ना, फॉर अ क्योर. नो, ही हैड टू गो अवे. ही हैड टू गो फॉर अ क्योर, ठीक है ना. ऑल राइट, ये पार्ट गलत है, डी पार्ट गलत है. ऑटो लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. आदर्श कुमार, हिज हेल्थ वॉज बेटर इन द विंटर, करेक्ट है. बट लास्ट स्प्रिंग हिज बूंड रीओपन्ड एंड द डॉक्टर सेड दैट ही हैड टू गो अवे फॉर अ क्योर. उसे जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, अपोलो हॉस्पिटल. नेक्स्ट देखो. 62. डेली आओ, खूब सारा पढ़ो, खूब मिस्टेक करो, लेकिन से मिस्टेक बार बार ना करो. चलो When the teenager started to fight in the park, a shot rang out. Hence भी reason है और this is why भी reason है. कुछ तो गड़बड़ है. दया, कुछ तो गड़बड़ है. बच्चे पार्क में खेल रहे थे, ठाएं. यूपी वाली पुलिस की तरह ठाएं ठाएं हुआ और बच्चे भाग गए वहां से. When the teenager started to fight in the park, fight करना start हुआ, ठीक है, a shot rang out, बहुत तेज आवाज हुई, ठाएं, ठीक है, और started है, so this is why the police were called, and, ठीक है, hence, police was called. देखो, this is why तो tense गलत हो जाएगा, hence the police were called. चलो, ये गलत है, ये गलत है. ये वाला रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, ये सही है. अच्छा सॉरी, अभी एक और है हमारे पास, 63. आप लोग गन चलाना चाहते हो? ठाई ठाई. ऑल राइट, आप एग्जाम में ठाई ठाई करना. नेक्स्ट देखो. किसी को एपिसोड याद है वो यूपी वाला, ठाई ठाई वाला? ही वॉज स्केयर्ड. ओहो, स्पेलिंग किसने पकड़ा है ये? लेट मी क्लैप फॉर यू. पटेल सालेश. स्केयर्ड होता, डरा हुआ. और आई एम सैक्रेड, मैं पवित्र हूँ. सैक्रेड गेम्स, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है. तो आप जानते ही हो, SCARED, स्केयर्ड हूँ मैं, डरा हुआ हूँ, क्या होगा एग्जाम में. और सैक्रेड पवित्र होता है, जो कि कोई नहीं होता है. चलो, बाबा लोग झूठ बोलते हैं, नहाते भी नहीं है ये तो. नेक्स्ट देखो. बनमो, स्पेलिंग 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 का था उसमें, सही पकड़ा भाई आपने. द कांग्रेस लीडर अपीयर्स. हेलो, द कांग्रेस लीडर अपीयर्स टू बी यूजिंग सॉफ्ट हिंदुत्व.
as a crucial game plan to counter BJP in the upcoming poll. No error. The current leader appears. Ek banda hai. Ek neta hai. Appears. Appears to. Appears to be using what? To be using what? Soft Hindutva as a crucial game. Theek hai na? A crucial game plan to counter what? Whom? BJP in the upcoming poll. No error. Meri taraf break kya karo? Aao, ye wala dekhte hain. Quick guys. Direction padho. गाइस कर दिया आप सबने हैविंग वर्कड ओके हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्टेड वर्क ओके टुमारो अच्छा ये वाला ओके आप ये वाला चेंज कर रहे हो या अदर चेंज कर रहे हो कौन सा चेंज कर रहे हो थोड़ा सा हिंट दो मेरे को या डी में कर रहे हो ओके हैविंग वर्कड फॉर द होल डे ठीक है द एरर इफ एनी विल बी वन अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस अल्फाबेट ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर इफ देयर इज नो एरर ओके ए बी सी डी ऑलराइट Having worked for the whole day, you could have taken some rest. You should have taken some rest, na? क्या लगता है? Suggestion के लिए should आता है भाई लोग क्या आता है? आप मेरा help कर सकते हो क्या? Can you help me? Hello, what do you think? You should have taken some rest and start work tomorrow. इसमें भी problem लग रही है. अच्छा यू हैव टेकन सम वर्क सम रेस्ट एंड स्टार्टेड वर्क टुमारो यार इसमें तो डी वाले में प्रॉब्लम लग रही है एंड स्टार्टेड वर्किंग टुमारो ओह नो 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 ये सही है दिस इज करेक्ट पता क्या टुमारो है ठीक है देखो पास्ट से काम करते आ रहे थे प्रेजेंट में और फिर टुमारो आने वाला है स्टार्ट वर्किंग टुमारो ये करेक्ट है डी करेक्ट है गाइस अरे मिल गया फाइनली हाँ समटाइम थोड़ा टाइम लगता है ठीक है ना कि यार मैं देख रहा था कि ये बात कब की है पूरा पास्ट है क्या लेकिन हमने सबसे ईजी टाइम एडवर्ब जो मैं आपको सिखाता वो तो मैंने मिस कर दिया नोटिस किया किसी ने गाइस डिड यू नोटिस द टुमारो Having worked for the whole day. अब देख आज का दिन है सुबह से कोई काम करता हुआ आ रहा है ठीक है ना सुबह से काम करता हुआ आ रहा है Having worked for the whole day, you should have taken some rest. और तुम्हें सुबह से शाम तक के बीच में रेस्ट कर लेना चाहिए था And start work tomorrow. ठीक है ये वाला यहाँ should कर दो करेक्ट हो जाएगा ये थी कहानी थोड़ा टेढ़ा निकल गया हम tomorrow तो देखा ही नहीं सबसे easily. ठीक है भाई लोग चलो आओ और देखते हैं नेक्स्ट अच्छा ये तो बहुत सिंपल है लेट्स इग्नोर दिस पार्ट है ना
scarcely had he gone first step when, चलो ये वाला देखो, seldom or never, seldom negative word है और never भी negative word है, तो ये correct है. अब ever क्या होता है? Positive होता है, तो seldom और ever गलत होता है. ठीक है, alright, ये मैंने पढ़ाया हुआ है. कितने लोगों को याद आ गया देखते हैं. और seldom or never negative है तो have I tried. ये देखो inversion हो रहा है. There are two grammar rules guys, आप notice कर पा रहे हो? Seldom or never या फिर seldom if ever correct होता है. And then there is a negative word, whenever there is a negative phrase, negative adverb, ठीक है ना, used at the beginning of a sentence, inversion होता है. I subject है, इससे पहले auxiliary verb है, inversion. दो दो phenomena यहाँ लग रही हैं. All righty, all right. Next देखो. Dogs soon know the person whom they are kindly treated. बताओ. शायद ही कभी, कभी कभार नहीं, शायद ही कभी. Hardly ever. Hello world. Hardly ever. शायद ही कभी. शायद ही कभी हम मिलें. Hello world. अरे ये नोज क्यों कर रहा है भाई? आपकी नाक काट दी जाएगी. नोज जिसने करा है उसकी नाक काट दी जाएगी. सुपड़खा वाला. डॉग्स प्लूरल है, प्लूरल, तो नोज हमारी क्या होगी? प्लूरल ही तो होगी ना. समझ गया, नोज नहीं होगा, नो होगा के एन ओ डब्ल्यू, के एन ओ डब्ल्यू. केयरफुल रहा करो, बदतमीजी मत किया करो. डॉग्स सुन नो द पर्सन By whom, किसके द्वारा they are kindly treated, कौन उनको प्यार से बात कर रहा है, कौन डंडा मारने वाला है. गाइज वीडियो का टाइम पता कर सकते हो कितना हो गया चलते चलते? एग्जैक्ट टाइम कितना हो गया चेक करो. If she had told me that her husband never lived within his means, I would not have lent him the money. मैं उसको पैसे नहीं देता. All right. चलो थैंक यू गाइज. एग्जाम ट्रैकर थैंक यू. चलो ये वाला फोकस करो. If she had told me that her husband never lived, ठीक है, within his means, I would not have, would have be three. ये तो सही है. पहला वाला पार्ट में past perfect, ये भी सही है. This is, कितने लोगों को याद आ रहा है? Hey, कितने लोगों को याद आ रहा है कि सर this is case of third conditional. And in if clause we have past perfect, in the remaining clause we have would have be three, might have be three, could have be three. Wow. So if she had told me that her husband never lived within his means, अगर उसने बोल दिया होता कि उसका husband कभी भी अपने control में नहीं रहता है पैसों को लेकर के, जितना कमाते हो उतना उसके हिसाब से खर्चा करो, ठीक है, अगर तुम कमाते हो 50 रुपये और खर्च करते हो 100 रुपये, तो यू आर नॉट लिविंग विद इन योर मीन्स, ठीक है ना, रिसोर्सेज मनी, ठीक है. सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो एरर. आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी, मैं उसको पैसा नहीं देता. पहले से पता चलता कि ये बंदा तो कमाता है 10 रुपये, खर्च करता है 100 रुपये, तो मैं इसको कभी पैसा नहीं देता. चलो आई होप यू एंजॉयड द सेशन गाइज, ठीक, एंड प्लीज शेयर लाइक कर देना. आज रात को बुकैब होगी, सब लोग आ जाओ बुकैबलरी वाले में. एंड दोज गाइज वॉन्ट माई पैट कोर्स, देर इज अ कूपन कोड नरेन लाइव, यूज करो, 10% डिस्काउंट, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प ज्वाइन माई टेलीग्राम, प्लीज टेलीग्राम का एक बार लिंक लिख दो सब लोग. एंड लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, इस चैनल को हर जगह फैला दो.
ठीक है, बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सबके वीडियो देखो। और अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो करो, इंग्लिश बाय नरेंद्र सर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज माई कोड नरेंद्र लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। चलो, हैव अ ग्रेट डे।